शैडो होस्ट क्या है, एलिमेंट क्या है, जरा इसे अब गो थ्रू अब तो करोगे ना यार, अब तो काम करना है ना। तब भाई जहां जिस, अरे यार देखो सब यही है लिखा हुआ, पढ़ना तो पड़ेगा। पढ़ने लगोगे तो इंग्लिश बड़ी सही हो जाएगी, सीरियसली। अब तुम लोग लो इंग्लिश पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं और सोचोगे इंग्लिश ठीक हो जाए कैसे होगा यार, सीरियसली। मेरी इसलिए सही हुई कि भाई हम जब इसको पढ़ना शुरू किए तो खूब मन से पढ़े, बहुत जगह बहुत डॉक्यूमेंट जितना नेट पे था बहुत कुछ खंगाले, बहुत कुछ पढ़े। जितना पढ़ोगे सबसे अच्छी बात है, चीजें तुमको पता चलेंगी, नॉलेज बढ़ेगी, इंग्लिश भी तो अच्छी होती चली जाएगी। अरे हम कह रहे हैं अभी आज के दिन कुछ भी पढ़ो, गूगल ट्रांसलेटर पर डालो, लेकिन पढ़ोगे डालोगे तुमको 10 दिन बाद सब समझ में आने लगेगा। एक पढ़ने की आदत तो जरूरी है ना। अगर अच्छा सोचो, तुम ही बताओ, कोई भाषा कह रहे हो उस भाषा में हमको बोलना है लेकिन उस भाषा को ना लिखना चाहते हो, हाँ, और भाई लोग और ना पढ़ना चाहते हो ना समझना चाहते हो, और तुम्हारे पास अब देखो कैसे सीखोगे, या तो पेपर पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, कोई भी चीज जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो। अब तुम्हारा इंटरेस्ट क्या, तुम आखिर इंटरेस्ट है तुम इतने लोग बैठे हो साल भर बाद भी, तुम्हारा इंटरेस्ट तो यही है ना, तो इसकी चीजें पढ़ लो, इतने डॉक्यूमेंट हैं, इतनी प्रॉब्लम देखो तो सही। ठीक है तो देखो यहां पे है सोल्यूशन, क्या कह रहा है, फाइंडिंग शेडो डॉम एलिमेंट्स यूजिंग सिलेनियम वेब ड्राइवर। देखो जावास्क्रिप्ट भी है एक ऑप्शन, लेकिन देखो सिलेनियम ने एक चीज और दे दी है, गेट शेडो रूट, एक मेथड ही आ गया है। मतलब इसको काम करने का तरीका ये था, पहले शेडो रूट तक हम जाते थे, इसके बाद पहले हम शेडो रूट को पकड़ते थे, फिर अंदर का एक्स पाथ लिखते थे, जैसे फ्रेम वाले केस में नहीं करते थे, कुछ कुछ वैसा ही प्रॉब्लम वैसी है कुछ कुछ। देखो बता रहा है प्रॉब्लम्स, आजकल बहुत डिटेल में लिखने लगे हैं लोग। ये देखो एक तो तरीका ये जावास्क्रिप्ट वाला बता दिया है ना। और आज अच्छा ये भी जान लो, पहले जब सिलेनियम था तो सबसे पहले जो सिलेनियम स्टार्ट होता था वो कहां से होता था, वेब ड्राइवर से, ये तो पता है ना यार, वेब ड्राइवर के सारे चाइल्ड हैं। लेकिन अब ये चीज थोड़ी सी बदल गई है, याद रखना, आजकल इंटरव्यू में इस बात का बार बार जिक्र करने की कोशिश करते हैं कि सिलेनियम के आर्किटेक्चर में क्या चेंज आया है। उसमें एक ये आया है, चलो उसको देखेंगे बाद में कभी डिटेल में, एक चीज थी पहले जो सिलेनियम फॉलो करता था उसे बोलते थे जेसन वायर प्रोटोकॉल, ठीक है, अब किसको करता है, अच्छा W3C, हाँ वो अब क्या करता है, W3C को करता है। और अब जो उन्होंने स्ट्रक्चर भी चेंज किया, एक क्लास और आई है, नाम पढ़ लो यार, इसका नाम बड़ा जानना जरूरी, क्लास का नाम क्या है, सर्च कंटेक्स्ट, जानते हो ये पेरेंट है वेब ड्राइवर की भी, ये पेरेंट है वेब ड्राइवर की भी। और दूसरी बात एक जान लो, ये पेरेंट है किसकी, वेब ड्राइवर की। और सबसे बड़ी बात है अगर वेब ड्राइवर की पेरेंट है तो चाहे जिसका ऑब्जेक्ट है इसमें भी रखा जा सकता है ना, तो ये दिमाग में रखना है। सर्च कंटेक्स्ट, सर्च कंटेक्स्ट एक्सटेंड हुई है कहां, एक इंटरफेस है, वेब ड्राइवर भी इंटरफेस है, एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस में क्या होता है, एक्सटेंड होता है। और इसके बाद फिर वो जो इंटरफेस है कहीं किसी क्लास में क्या होगा, इंप्लीमेंट होगा या जो भी होगा। तो सर्च कंटेक्स्ट क्या है, पेरेंट है किसका, वेब ड्राइवर का, एक इंटरफेस है जो एक्सटेंड हुआ, ठीक है। ये देखो अच्छे तो ना, एक मिनट, दूसरा देखो कि नॉर्मल क्या किया, वेब
वेवेलीमेंट बनाया, किसका? ध्यान से देखो, एक वेवेलीमेंट बनाया उस एलिमेंट का जो शेडो है, जो शेडो वाला, शेडो भी तो एक एलिमेंट ही है, शेडो रूट, शेडो होस्ट इस तरह से था कि नहीं है, वो भी तो एक है ना। तो इसके बाद जिस एलिमेंट के अंदर है, जिस एलिमेंट के अंदर ये मेथड याद रखो, गेट शेडो रूट अब आने लगा है, सबसे वो पहले वो वेव एलिमेंट निकालो जो शेडो रूट या शेडो होस्ट जो भी है, इसके बाद गेट शेडो रूट मेथड कॉल करो, सर्च कंटेक्स्ट में रखो और अब फाइंड एलिमेंट करो। ये भी एक तरीका है, एक तो जावास्क्रिप्ट है और दूसरा ये देखो, क्लियर है? ये आजकल इंटरव्यू में पूछ रहे हैं, तैयार कर लेना, बोल ए, लिख तो ले, ये सारी लिख लो, बना लो यार, पहले तुम लोग लिख भी नहीं रहे हो, बोलोगे कैसे? तुम लोग हवा में जी रहे हो बस। अरे यार लिखोगे तब तो बोलोगे, नहीं यहां अभी मत लिख लो, लेकिन तुमको जो बोलना है तुम्हारे, यार ये बताओ अंग्रेज तो हो नहीं, उसी समय सोच सोच के बोलोगे, अभी तो तुमको करना पड़ेगा ना, तुम्हारे पास सपोर्ट में वो चीजें रहेंगी तब तो तुम बोल पाओगे यार, तुम लोग एकदम गलत जा रहे हो। चलो तो ये है सोल्यूशन, टू वेज है, कहोगे पहला जावास्क्रिप्ट से है और दूसरा, और ये यहां पे मेथड है गेट शेडो रूट करके, और इसके बाद हम उसका सर्च कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बना लेंगे, पूछेगा सर्च कंटेक्स्ट क्या है तो बता देना, सर्च कंटेक्स्ट क्या है, वेब ड्राइवर का पैरेंट, ठीक है? हाँ तो सही बताए वो। अच्छा वर्जन सब लोग याद रखना, इस समय क्या चल रहा है, 4.16 चल रहा है ना, सबको याद हो 16 चल रहा है, इससे अपडेट रहो। इंटरव्यू में पूछते हैं अक्सर इंटरव्यू में कि करंट वर्जन कौन सा यूज कर रहे हैं। हाँ इसका, हाँ हाँ अच्छा अच्छा, वो अलर्ट था, कैसे मालूम वो अलर्ट था? हाँ तो जब क्लिक की, नहीं नहीं क्लिक कराने पे जो सामने आ रहा है जरूरी नहीं कि वो अलर्ट है। देखो अलर्ट जो होता है वो जावास्क्रिप्ट का होता है, दिमाग में रखो। अक्सर अलर्ट का क्या मतलब होता है, जैसे कुछ कहीं डिलीट करने जा रहे होते हो या कुछ बहुत गलत कर रहे होते हैं, बिना कुछ इंफॉर्मेशन भरे ही सीधे फॉर्म को क्या करने गए, फिलअप करने गए, तो सामने क्या आ जाता है, एक एक पॉपअप, वो जो पॉपअप है वो आता है जावास्क्रिप्ट का, वो अलर्ट है। क्या है? जावास्क्रिप्ट का अलर्ट है, उसको तुम हैंडल कर सकते हो, ड्राइवर डॉट जो भी है, क्या है, नेविगेट, नहीं सॉरी ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट अलर्ट, और फिर अलर्ट पे जाके अलर्ट पे काम कर सकते हो। लेकिन हो सकता है वो अलर्ट हो ही ना, वो एक पॉपअप भी हो सकता। देखो जैसे जब तुम कहीं कुछ अपलोड करते हो या डाउनलोड करते हो तब भी तो कुछ सामने आता है, वो नहीं है जावास्क्रिप्ट का। या कहीं पे कई बार क्या है, मॉडल बॉक्स या कुछ और है तो उसको, अच्छा उसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करने की कोशिश की तो वो इंस्पेक्ट हो रहा था, अच्छा वो इंस्पेक्ट नहीं हो रहा था, लेकिन वैसा कहीं कुछ मिले तो दिखाना एक बार, ठीक है लैपटॉप पे तुम्हारे पास? हाँ ठीक, मतलब है ना, तो कल दिखा सकते हो ना। तो ये चलो, ये एक तरह से, अच्छा मतलब हम लोग ये, अच्छा ये सवाल याद रखना, शेडो रूट, टू वेज, जावास्क्रिप्ट और, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस हैं, ठीक है? अच्छा एक काम एक करो, जेनकिंस इसमें है?
और गिटहब का वो हाँ ये है ना, कोई भी ये जो जेनकिंस में बनी हुई है क्या है, जॉब्स है, ये जॉब है। जैसे यहां दो चीज नहीं बनी हुई है, ये दोनों क्या है, जॉब है। जॉब का मतलब क्या होता है, कोई वर्क है, किसी काम को करने के लिए जो करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, जॉब बोलते हैं, वही तो है ना जॉब। कोई पर्टिकुलर वर्क होगा जिसे करने के लिए इन लोगों ने, ये लोग इसको क्या बोलते थे पहले, जॉब। ये दो क्या है, जॉब है, मल्टीपल मल्टीपल जॉब्स हो सकते हैं, ठीक है। और एक चीज दूसरी भी होती है, पाइपलाइन। जॉब्स बनती है जेनकिंस में और क्या, पाइपलाइन। लेकिन जो ये है, जो तुम पढ़ रहे हो, जो तुम जान रहे हो, क्या है, जॉब्स है, ठीक है। अब कोई भी एक जॉब है, जॉब बनाई गई होगी, न्यू करके बनाई गई होगी ना। अब उसमें क्या क्या दिया गया है वो सब यहां कॉन्फिगर में होगा। अच्छा, हमने कुछ बोला था ना करने के लिए, हमने कहा था ना कि इसको जेनकिंस को उससे अपने गिट से क्या कर लो, इंटीग्रेट कर लो। हमने बता दी थी प्रॉब्लम भी, वो यूजर नेम पासवर्ड भले मांग रहा था लेकिन तुमको एक चीज हमने बताया था कि तब भी करने नहीं देगा। हमने कहा था कि गूगल पे ये सर्च करना या चैट जीपीटी से इतना से पूछना कि अपनी प्राइवेट रिपोजिटरी को हमें जेनकिंस से क्या करना है, कनेक्ट करना है, क्या करें, नहीं किया। तो इतने लोग थे, सब किसी ने नहीं किया। ये देखो, जो मान लो ये है, वैसे सर्च किया चैट जीपीटी ने, कहा ने जो बताया वो ट्राई किया। अरे पहले देखो एक चीज, जैसे मान लो इतना ही करना कितना सब आसान है। अब जैसे यहां पे बस हम इतना लिख दें, कनेक्ट जेनकिंस टू गिटहब प्राइवेट रिपोजिटरी। देखो इसने इतनी बातें बता दी, ये क्या कह रहा है कि देखो सबसे पहले ये तुम्हारा जेनकिंस है ना। पहले तो एक चीज ये आज से जान लो, जेनकिंस में एक कंसेप्ट है किसका, याद रखना, प्लगइन्स का। प्लगइन क्या होते हैं, प्लगइन का मतलब वो चीजें, कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो उसमें प्लग इन कर दी जाए, जोड़ दी जाए। तो जैसे पहली बात तो ये याद रखो, फिर से बता रहे हैं, इसमें मत कंफ्यूज होना, जो गिट है जिसे तुम डाउनलोड करते हो, गिट डॉट exe, सबसे पहले अपने सिस्टम पे एक बार चलाते हो ना कई बार, तो जो ये git dot exe है ये वो सॉफ्टवेयर है। और git क्या है, एक कंसेप्ट किसके लिए, ये कहा जाता है ना, ये वर्जन कंट्रोल टूल है, मतलब अपना कोड या क्या कहते हैं, कोड रिपोजिटरी है, कोड अपना सब वहीं रखते हो ना, देखे तो हो सब लोग। तो git dot exe एक सॉफ्टवेयर, और इसके बाद इस सॉफ्टवेयर के सहारे कोड कहां रहता है बताओ, हमारे लोकल पे भी रहता है और कहां रहता है, सर्वर पे भी रहता है, बोलो, यही तो देखे हो ना। तो सर्वर पे जहां रहेगा तो कोई सर्वर पे जगह देगा ना। अब ऐसे ही कई प्लेयर है मार्केट में, एक मार्केट में प्लेयर है जिसका नाम क्या है, गिटहब, जो ट्राई कर रहे हो, एक है गिट लैब, वो भी एक अलग कंपनी है, उसके अलग आदमी है, लेकिन पीछे कंसेप्ट सबका कौन है, गिट, कमांड वही, काम वही, सब कुछ वही। अगर URL GitHub का रहेगा तो चीज कहां जाके स्टोर होगी, GitHub पे, GitLab पे रहेगा। और एक और भी मार्केट बहुत फेमस है, Bitbucket। ये ऐसे और भी बहुत है जो तुम्हारा कोड, तो ये याद रखो इनमें से कोई होगा। तो अब एक चीज ये है, हो सकता है तुम्हारी कंपनी GitHub यूज कर रही हो, बिट बकेट यूज कर रही हो,
लैब यूज कर रही हो या कुछ और यूज कर रही हो। इसीलिए जेनकिंस वालों ने एक कंसेप्ट दिया है क्या करने का, प्लगइन ऐड करने का। तुम जो चीज यूज कर रहे हो उसका प्लगइन ऐड कर सकते हो। कहां से कर सकते हो? एक ऑप्शन आता है क्या, मैनेज जेनकिंस का। ध्यान से देखो इस चीज को, और यहां देखो यहां ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। अब यहां से तुम मैनेज जेनकिंस से तुम्हारा होगा ये देखो प्लगइन्स करके एक सेक्शन है, वो सब मत देखो, वो सब तो कह रहा है कि प्लगइन जोड़ दो। यहां ये प्लगइन्स का एक सेक्शन है, यहां से कोई भी प्लगइन तुम सर्च कर सकते हो। जैसे तुमको बिट बकेट मान लो तुम्हारी कंपनी में यूज हो रहा होता तो तुम यहां आते और लिखते क्या, ये देखो या यहां देखो यहां कुछ ऑप्शंस दिख रहा है, जरा एक ऑप्शन देखो क्या लिखा है, अवेलेबल प्लगइन्स, कौन कौन से प्लगइन्स अवेलेबल है। और यहां पे अब तुम क्या करो, आ गया ना, अब बिट बकेट से रिलेटेड बहुत से प्लगइन आ जाएंगे। हम क्या करेंगे, जनरली इन प्लगइन्स को क्या करेंगे, इन सबको क्या करेंगे, चेकबॉक्स को चेक करके और इंस्टॉल बटन पे क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। वो इंस्टॉल होना इसमें शुरू हो जाएगा। और इंस्टॉल होने के बाद ध्यान समझना, जब ये इंस्टॉल हो जाएगा, इंस्टॉल होने के बाद वो चीज हमें वहां पे दिखने लगे। एक कंसेप्ट ये जान लो किसका होता है, प्लगइन्स का। प्लगइन किसके लिए डाला जा सकता है, जैसे कोई पर्टिकुलर वो कर रहे हो। अच्छा एक बात और बताया ना जेनकिंस के बारे में, जेनकिंस जब चलता है ना सारे टेस्ट केस चलाने के बाद मेल भेज देता है ना, तो मेलिंग का भी क्या होता है, प्लगइन होता है। तुम नेट से, तुम वहां पे बस कहीं नेट वेट पे भी नहीं जाना है, मैनेज जेनकिंस करना है, प्लगइन्स में जाना है, और कहां जाना है, अवेलेबल प्लगइन्स में, और जो भी चीज चाहिए वो सर्च कर, इतना लिखो बस, जिससे भी मेल करना चाहते हो हम करें मेल लिख दो बस, या लिख दो ईमेल नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन जानते हो ना, जब चीज हो जाए तो उसका सबके पास मेल चली जाए, नोटिफाई हो जाए, देख रहे हो। यहां पे जो भी है इसे सेलेक्ट करो और क्या करो, तो जो भी काम है जैसे क्या क्या याद रखना, गिट से ऐड करना, मेलिंग का क्या करना, मेल भेजना है तो मेल का क्या करना, प्लगइन। तो जो भी चीज चाहिए होगी एक्स्ट्रा तुम इजीली, और ये कंसेप्ट सेम याद रखना मैवन में भी था ना, मैवन में ये कंसेप्ट किसका था, प्लगइन का। क्या बताया था उसमें तुम लोग को हमने, कि भाई जैसे आप क्या करोगे कि जैसे मेल, जैसे कहीं मेल करना, जैसे हाँ क्या बता रहे थे, हाँ जैसे मेल करना है तो मेल के लिए हम प्लगइन जोड़ सकते थे ना, उसमें दिखाया था एक श्योर फायर प्लगइन था। प्लगइन का मतलब कोई चीज जो बनी हुई है उसको जोड़ दो तो उसके अंदर एक्स्ट्रा फीचर आ जाए। कई बार एक चीज के साथ हजारों चीजें यूज हो सकती हैं, तो वो हजारों चीजों को अपने पास नहीं रखेगा, वो अपने पास ऑप्शन रखेगा कि हजारों चीजों में से जब जिसकी जरूरत पड़े किसको जोड़ना है और किसको नहीं जोड़ना। जानते हो जेनकिंस में कितने प्लगइन्स होंगे, कई हजार, लेकिन तुम्हारे काम के तो नहीं है ना। फिर उन्होंने कंसेप्ट दिया कि आप हमारे साथ कोई भी प्लगइन क्या कर सकते हो, और सेम कंसेप्ट जेनकिंस का भी है और सेम कंसेप्ट मैवन का भी है। मैवन में भी हर चीज के लिए क्या है, प्लगइन है। कुछ तो उसके बेसिक फीचर है, इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो आप उसके लिए प्लगइन यूज कर सकते हो। क्लियर है? देखो यहां ये बता रहा है
तुमको कि जो जो चैट जीपीटी में देख रहे थे, ये करा भाई जेनकिंस का गिटहब का प्लगइन डालो। तुम github.com यूज कर रहे हो ना, ये github.com यूज कर रहे हैं ना, बिटबकेट नहीं यूज कर रहे हैं ना, तो इसलिए गिटहब का प्लगइन डालने के लिए कह रहे हैं। लेकिन आजकल जैसे कई बार ये भी होता है, कोई चीज ज्यादा फेमस हो जाए तो वो ऑलरेडी हुई क्या होता है, लगी हुई आती है। जैसे काम करते हैं, चलो एक नया बनाते हैं, नेम कुछ भी दे दिया, क्या दे दिया, ऑटो मेशन एक मिनट, न्यू सॉरी न्यू आइटम ऑटोमेशन जॉब फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट और क्या किया। अब यहां डिस्क्रिप्शन कुछ डालना है, लिख देंगे टू एग्जीक्यूट ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स ऑफ, ऐसे इंग्लिश में लिख देंगे स्क्रिप्ट्स ऑफ जो भी है एक्स वाई जेड, और इसके बाद यहां देखो खुद ही आ रहा है सोर्स कोड मैनेजमेंट, नन आ रहा है और कौन सा आ रहा है गिट आ रहा है। तो भाई क्या करो, गिट यहां पे तुमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अभी तुमसे क्या मांग रहा है, गिट गिट रिपोजिटरी बताओ। हाँ यूआरएल है कहाँ, अच्छा गिटहब, यही यहाँ डिस्प्ले कोड पे क्लिक करो, यहाँ पे तुमको क्या मिल जाएगा इसका यूआरएल। ऑटोमेशन जॉब है ना, अब यहां बात आ गई किसकी, क्रेडेंशियल की। तो क्रेडेंशियल याद रखना, क्रेडेंशियल यहां से डायरेक्टली ऐड करोगे उसके पहले तुम्हें क्रेडेंशियल ऐड करने पड़ेंगे, ये भी यहां पे मेंशन होगा। देखो अच्छा ये क्या बता रहा है, अच्छा ये बता रहा है अभी पर्सनल एक्सेस टोकन, पहले यहां देखो क्या बता रहा है, जहां पे करना है तो कहां जाना है, सीधे वो बता रहा है सब। यार मैंने जेनकिंस में जाना है मैनेज क्रेडेंशियल्स में, जेनकिंस में थे ना, कहां थे बताओ, अरे यहां मान लो डैशबोर्ड पे आ जाओ, मैनेज जेनकिंस पे, देखो आ गया ना क्रेडेंशियल्स एग्जैक्ट। अच्छा मैनेज क्रेडेंशियल नहीं आ रहा है, क्रेडेंशियल्स आ रहा है। यार ये टूल है, समय समय पे चेंज भी तो होते हैं। ये देखो अब यहां पे आ गया ना, देखो वहां ये भी बता रहा होगा, यहां पे जाओ बता रहा है कि अंडर स्टोर्स स्कोप टू जेनकिंस क्लिक ऑन ग्लोबल, बता रहा है इशारा दे रहा है ना। तो अब देख लो यहां पे, यहां भी होगा क्या ग्लोबल, कह रहा है ना अब क्रेडेंशियल ऐड करो। देख अब फिर कह रहा है ऐड क्रेडेंशियल करो,
और सेक्रेट टेक्स्ट और क्या करा, यूजर नेम डालो और अपना वो टोकन डालो। टोकन बोल रहा है पर्सनल एक्सेस टोकन। जनरली तुम गिटहब से को यूज करते हो यूजर नेम और पासवर्ड के साथ, तो तुम सोचते हो यूजर नेम पासवर्ड डालें ये चल जाए, अक्सर ये पासवर्ड चलता नहीं है। इसके लिए तुमको चाहिए होता है क्या, अब जैसे इनका है ये, इसी में देखो ये भी लिखा है, देखो बता रहा है कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्या, ये कह रहा है कि यहां पे जाओ इस तरह से मिलेगा, ऐड क्रेडेंशियल करो। देखो चलो चेक कर लेते हैं, देखो ऐड क्रेडेंशियल दे रहा है कि नहीं। अब यहां देखो तरीका बता रहा है, कह रहा है कि भैया क्या करो, सेक्रेट टेक्स्ट यूज करो। अब यहां देखो क्या बता रहा है, स्कोप चलो ग्लोबल है, अब सीक्रेट की बात कर रहा है। अब ये देखो यहां ये भी बता रहा है ये कि भैया यहां क्या करो, इंटर योर गिटहब यूजर नेम इन आईडी फील्ड एंड पेस्ट द पर्सनल टोकन इन सीक्रेट फील्ड। देखो साफ साफ कह रहा है कि भैया आईडी में अपना क्या डाल दो, यूजर नेम डाल दो। क्या है यूजर नेम, हाँ ये अब क्या कह रहा है, वो स्पेस आ गया था ना, अब क्या कह रहा है, सीक्रेट सीक्रेट के लिए भी बता रहा है ये। क्या बता रहे, वही जो पर्सनल एक्सेस टोकन चाहिए कहां से मिलेगा, ये मिलेगा तुम्हें गिटहब से। देखो वो भी बता रहा होगा कि यार गिटहब में जाओ, सेटिंग्स में जाओ, डेवलपर सेटिंग में जाओ और वहां से उठा लो। देखो सेटिंग डेवलपर सेटिंग्स, देखो सेटिंग कहीं होगा ये है ना, अच्छा यहां भी है नहीं, ये तो डिपोजिट कौन सा, एक मिनट, अच्छा ठीक है ये आ गया। अब इसके बाद कह रहा है यहां से देखो क्या बोल रहा है, देखो सेटिंग्स डेवलपर सेटिंग्स और पर्सनल एक्सेस टोकन। अब देखो यहां कहीं होगा डेवलपर, नहीं को कंट्रोल एफ करो, चलो डेवलपर सेटिंग नहीं मिल रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, पर्सनल एक्सेस, पहले तो यही था, एक मिनट, हाँ अच्छा ये देखो, या एक मिनट ये देखो आगे तो गया, सेक्रेट्स एंड वेरिएबल्स, अच्छा ये क्या एक्शंस है, ये है कोड स्पेसेस, अच्छा ये एक वर्ड देख रहे हो यहां पे, वेबहुक बताया था ना कभी कि जो डेवलप जानते हो अपनी जेनकिंस की रिपोजिटरी को, इसी वेबहुक के सहारे हम जेनकिंस से क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। जब भी जेनकिंस में कुछ होगा अपने आप ये चलने, सॉरी जब भी इसमें कुछ होगा तो अपने आप जेनकिंस चलने लगेगा।
अब जैसे ये अभी जैसे यही कहो कि डेवलपर सेटिंग से यहाँ नहीं है ना, चलो जनरल है। सिक्योरिटी, एक मिनट, नहीं ये एक मिनट, ये देखो अच्छा एक मिनट रुको, ठीक है तेरे फोन चार्जिंग लगा देना है, मिनट जरा एक जरा चैट जीपीटी में जरा क्वेश्चन चेंज करो, कहो कि ये चीज नहीं मिल रही है। सबसे बड़ी अच्छी चीज तो यही है, जल्दी से बस इतना उससे कहोगे चैट जीपीटी से कि ये चीज ये ऑप्शन, क्योंकि देखो ये टूल्स ये चेंज भी तो होते हैं टाइम के हिसाब से। डालो चाहे कोई लोग डालो, एक मिनट अच्छे अकाउंट्स में आए, यहाँ हाँ सेटिंग देखो, ये वो जो सेटिंग थी किसकी थी, रिपोजिटरी की थी। देखो तुम्हारा अकाउंट है, एक अकाउंट के अंदर मल्टीपल क्या हो सकते हैं, रिपोजिटरी हो सकती है। देखो पर्सनल एक्सेस टोकन, ठीक है क्लासिक मतलब पुराना, अभी देखो बीटा लिखा है कि नहीं, कुछ ऐसा है जो अभी नया नया क्या हो रहा है, इंट्रोड्यूस हो रहा है। अब देखो यहाँ पे भी जनरेट, अब देखो पर्सनल एक्सेस टोकन चाहिए ये भी मिलता नहीं, ये टोकन की यही तो क्वालिटी होती है, जनरेट करना पड़ता है। जैसे इस टाइम पे क्या करेंगे, हम जनरेट करेंगे, पासवर्ड बताओ। अच्छा है, अच्छा इसमें क्या कह रहा है, नोट अगर कुछ डालना है लिख दो कि गिटहब और ये ला दे जेनकिंस टोकन, बता रहा है कितने दिन तक चलेगा, एक टाइम आएगा जैसे 30 डेज है ना, 30 डेज बाद जो टोकन है वो अपने आप क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, तो काम नहीं करेगा। इसको तुम यहां से क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो 90 डेज या कस्टमाइज कोई डेट, या फिर क्या कर दो नो एक्सपायरेशन, ये एक्सपायर ना हो। लेकिन देखो गिटहब कह रहा है स्ट्रांगली रिकमेंड्स कि एक एक्सपायरेशन डेट डालो, और इसके बाद ये देखो
ये सब जो तुम्हारे क्या हैं, एक्सेस हैं, ये सब दे दो। और यहां पे क्या करो, जनरेट टोकन कर। ये देखो बहुत जरूरी चीज है, इसे तुरंत तुम्हें क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है और इसको नोटपैड पे या कहीं सेव करके रख दो। ये अब तुम्हारा क्या हो गया, टोकन हो गया। अब ये टोकन जनरेट हो गया अगर, तो यहां सीक्रेट में यही चीज यहां क्या करनी है, पेस्ट कर देनी है। यहां पे तुमने यूजर नेम डाल दिया, डिस्क्रिप्शन कुछ भी और डिटेल डाल दो कि इट्स टोकन, और फिर क्या करो, क्रिएट। चलो नो थैंक्स कर देते हैं ये। अब आ जाओ अपने किस पे, जॉब पे। जॉब कौन सी थी तुम्हारी, मान लो ऑटोमेशन जॉब थी। अब तुम तो पूरा भी जॉब नहीं बनाए थे, जब भी जॉब को चेंज करना हो इसलिए देखना एक ऑप्शन होता है किसका, कॉन्फिगर का। कॉन्फिगर में जाओगे, और यहां पे क्या करेगा, क्रेडेंशियल। तो यहां पे क्या करो, ऐड करो जेनकिंस, वैसे वो आना चाहिए जो हमने नाम किया था, उसका नाम क्या रखा था, रखा था नाम ना ना, जैसे यहां पे क्रेडेंशियल जो हम यूज कर रहे हैं, चलो यहीं से ऐड कर दो। तो वही, अच्छा उस बार हम लोग क्या डाले थे, आईडी डाले थे, और यहां पे नहीं, ये ठीक है, चलो इसको ठीक है। पासवर्ड एक काम करो यही डालो। अच्छा क्या है यूजर नेम तुम्हारा, मां और ये है तुम्हारा क्या, अरे मतलब हम लोग जो एक काम करो एक सेकेंड, हाँ हाँ जेन के, अच्छा चलो एक काम करो यहाँ पे सॉरी सेक्रेट टेक्स्ट डालो, और इसके बाद वैसे वहां से तो आना चाहिए था आईडी, इसको पिक करना चाहिए। अच्छा यार यहीं से, ये तो ऐड का ऑप्शन हो गया ना, क्योंकि हमने वहां से निकाल के यहां पे ऐड कर दिया है। अच्छा एक काम करते हैं, एडवांस में आओ, नेम क्या रखा था उसका, नहीं नहीं जो हम लोग जॉब पर, और एक काम ऑटोमेशन जॉब्स नहीं यार यहां से, अच्छा एक काम करते हैं
हमारे पास यहां पे था ना, मैंने जेनकिंस के अंदर और यहां पे क्रेडेंशियल्स जेनकिंस। कहाँ पे? ये तो डिस्क्रिप्शन है यार। अच्छा यार, शिट, हमको क्या करना है यहाँ पे? क्रेडेंशियल यहाँ ऐड करने का ऑप्शन दिखना चाहिए। एक मिनट, यहाँ सॉरी, जरा यहाँ यूआरएल एक काम करते हैं, पहले जो हम लोग मैनेज जेनकिंस में आओ, पहले एक काम करो कि अगर प्लगइन्स में जाके पहले गिटहब के लिए जो प्लगइन है वो क्या करो, इतने ये दो तीन प्लगइन क्या करो पहले। देखो तुम किए थे दो ही तीन ना, लेकिन हो रहा है कहीं ना, क्योंकि तो उसको जो जो भी लगता है, तो ये प्लगइन डालने के बाद वहां तुम देखोगे ऑप्शंस क्या हो जाएंगे। इसको होने दो, जानते हो क्या होगा, आप प्लगइन डालने के बाद यहाँ जो गिट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ देखोगे एक आधा ऑप्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। या एक काम करते हैं, रुक जाओ, चल रहा है ना,
अच्छा एक सेकंड, एक बार फिर से इसे। अच्छा हाँ, लोकल से भी सही कह रहे हो। एक सेकंड बस, एक काम करते हैं, इसको जो पहले हमने ऐड किया है सॉरी, क्रेडेंशियल्स ना, यहाँ डिलीट करने का ऑप्शन। एक सेकंड बस, यहाँ और अच्छा क्यों भाई, आप शो तो वहीं से करना चाहिए था यार। ऐड कर रहा है, एक बार इसका फिर से रीइंस्टॉल करके देखना ठीक है, नहीं तो यहां से जब कर दोगे ना तो एक बार क्या हो जाएगा, ये कनेक्ट हो जाएगा जब एक बार, तो जब भी रन करोगे यहां से तो सारा कोड वहां कहां से पुल करेगा, सबसे पहले वहां से क्या करेगा, क्लोन करेगा, क्लोन करने के बाद ही क्या करेगा, उसे यूज करेगा। अच्छा एक चीज और छोटी सी, तुम बता रहे थे ना कोई जॉब है, कहाँ गया आपका, डैशबोर्ड पे आओ, कौन सी, ये चलो ये है, कॉन्फिगर में जाओ, जो इन्होंने जॉब बनाई है, देखो जनरली काम करोगे तो कभी ऐसा नहीं होगा जैसा यहाँ दिख रहा है, इन्होंने देखो सोर्स कोड मैनेजमेंट क्या ले रखा है, नन, पहले तो ये भी जान लो कंपनी में काम करोगे तो जेनकिंस तुम्हारे लोकल पे नहीं रहेगा, जेनकिंस का एक पर्टिकुलर क्या होगा, URL होगा यार, जिसे पूरी टीम यूज कर सके, तुम्हारा लोकल सिस्टम थोड़ी ना होगा, कुछ ऐसा नाम रहेगा, जैसे मान लो तुम्हारे क्लाइंट का नाम XYZ है तो ऐसा कुछ Jenkins.xyz.com ऐसे करके क्या होगा उनका,
या कुछ ऐसा उनका होगा जो उनका क्या होगा, यूआरएल होगा, वो यूआरएल डालोगे, यूजर नेम डालोगे, पासवर्ड डालो, नन नहीं रहेगा वहां, ऑप्शन क्या रहेगा, डिटी का रहेगा। वैसे ये नहीं आ रहा है प्रॉपर, जब तुम्हारा अभी देखो फेल हो गया था प्लगइन्स का, अगर प्लगइन्स पड़ जाएंगे तो यहाँ पे गिटहब भी आने लगेगा, ठीक है। इसके बाद बिल ट्रिगर है, तो इन्होंने ट्रिगर के कई ऑप्शन है, याद रखना सबसे मेन कौन सा है, बिल्ड पीरियोडिकली। इसकी क्वालिटी ये होती है कि जैसे यहाँ पे टाइम बता दोगे, शेड्यूल, और शेड्यूल मिल जाएगा, तुम बस इतना गूगल पे लिखोगे हम आई वांट टू रन जेनकिंस जॉब डेली एट 9 AM या बिटवीन 9 to 10 PM, तो बस वो तुमको दे देगा, वही कॉपी करके क्या कर देना है, पेस्ट कर देना, ठीक है। और वैसे खुद से हाथ से तो चला ही सकते हो मैनुअली, तो मतलब एक बटन है चला दोगे तब भी चलने लगेगा, ये वाला ऑप्शन यूज करोगे तो बटन दबाने की भी जरूरत नहीं है, जेनकिंस पे लॉगिन करने की भी जरूरत नहीं है। अब देखो यहां पे बिल्ड एनवायरनमेंट, चलो ये है डिलीट वर्कस्पेस बिफोर बिल्ड स्टार्ट्स, ये देखो हम लोग यूज करते हैं कि जिससे जो पहले है उसको क्या करो, डिलीट कर दो, नया डालो, अभी तो हमारा प्लान ही कुछ दूसरा है। आ जाओ यहां, फिर इसके बाद ये कमांड यूज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा कमांड क्या यूज कर रहे हो, रन डॉट बैट, कहां पे है ये रन डॉट बैट प्रोजेक्ट, कहां पे है तुम्हारा, देखो डी ड्राइव में, ये देखो अच्छा डी ड्राइव में ये है, एक काम करते हैं इसको, लो जी यही इनका, ये यहाँ पे रखा है ना, और यहीं पे तुम ये रन डॉट बैट है, जरा इसे एडिट करो, हम बताए थे कुछ नहीं है, तुम ऑलरेडी लिखे तो हो, वहां लिखने की जरूरत नहीं है। अब लेकिन एक छोटी सी चीज ये देखने वाली बात है, ये जेनकिंस है ना चल रहा है, एक काम करते हैं, अच्छा ठीक है, वैसे ये करने की जरूरत नहीं है, तुम ऑलरेडी वो कोड लिख चुके हो, यहां पे तुम थोड़ा सा चाहो तो क्या कर सकते हो, डी और क्या लिख दो, हाँ तो क्योंकि डी में जाना पड़ता है पहले, अगर ड्राइव चेंज हो रही है तो तुम्हें मेंशन करना पड़ता है, बस ये करो सेव करो, और अब आ जाओ जरा अपनी ये जॉब पे, यहाँ देखो ये जॉब है ना जिंक्स, यही तो ओपन है, यहाँ पे देखो एक बटन, एक लिंक है कौन सा, बिल्ड नाउ, यही क्लिक करो, ये है नंबर 10, ये अभी अभी चला है और क्या हुआ है, फेल हुआ है, क्लिक करो, यहाँ पे देखो मेन है इसका क्या, कंसोल आउटपुट क्या बता रहा है, रन डॉट बैट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनल, ओके सी, एक सेकंड। अब जरा एक चीज ये जरा ध्यान से, वो क्या रहा है, ये देखो तुम्हारे साथ भी होगा, जेनकिंस जब जहां चलता है तो जेनकिंस चलता है कहां, जेनकिंस का एक अपना वर्क स्पेस होता है, तुम्हारा वर्क स्पेस नहीं, किसका, जेनकिंस का, इवन सर्वर पे हम लोग भी काम करते हैं, जब भले किसी भी मशीन से चला रहे हो तो जहां पे भी जिस सर्वर पे जेनकिंस होगा वहां उस मशीन पे उस सिस्टम पे एक फोल्डर होगा क्या, वर्क स्पेस। हम लोग देते हैं ना अपने ये गिट का यूआरएल, तो गिट का जो मेरा कोड है उसे क्लोन करके कहां रखता है, अपने वर्क स्पेस के अंदर, ये एक्लिप्स का वर्क स्पेस नहीं है, ये चलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है ये कहां रखे हैं, कहीं और रखे हैं, यहां देखो ये बता भी रहा है, ये देखो सी प्रोग्राम डेटा यहां है मेरा क्या वर्क स्पेस, वो कह रहा है कि यहां इस वर्क स्पेस के अंदर, वर्क स्पेस में ये जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर रन डॉट बी ए टी नाम का कुछ भी है नहीं, खोल के तो देखो,
ये वर्क स्पेस है, ये जेएनके है, लेकिन यहां कुछ है नहीं, इसलिए वो नहीं चला पा रहा। इसके यहां पे वो क्या उम्मीद कर रहा है जानते हो? वहां पे यहां ये उम्मीद कर रहा है कि यहीं पे पड़ा हो क्या प्रोजेक्ट? अगर यही तुम उससे जब करते गिट से, तो जानते हो जब गिट से डाउनलोड करता, भाई गिट तो अलग है ना, गिट से डाउनलोड करता कहां ले जाता? इसी फोल्डर के अंदर। यहां देखो कई फोल्डर, एक वर्क स्पेस है और कई फोल्डर दिख रहे हैं। इन्होंने आज तक जितने जेनकिंस की जॉब बनाई होगी, डिलीट की होगी, सबका नाम यहाँ पे है। इसके अंदर चीज रहेगी तब चलेगा। अब यही ये क्या करें, अपना जो प्रोजेक्ट कहां रखे हो, ये डी ड्राइव में यहां रखे हो, अगर यही कहां पे है ये, अगर मान लो यही हम कॉपी करें और अब इसको पेस्ट कर दें कहां, इसी के अंदर, और रन डॉट बैट कहां है, इसके अंदर ये है रन डॉट बैट, तो हम तो कहेंगे रन डॉट बैट जरा एडिट करते हैं, ये है। तो अभी फिलहाल के लिए वैसे तुम्हें पूरा पाथ बताने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हें सिर्फ वर्कस्पेस के अंदर का पाथ बताने की जरूरत पड़ती है, लेकिन चलो फिर भी हम यहां उठाते हैं, सॉरी वहां ये कौन सा है, जेनकिंस वाला ही है ना, हाँ यहां हम उठाते हैं और अच्छा, लेकिन सॉरी ये ढूंढेगा तो उसे अंदर ही ना, चलो चलो कोई बात नहीं, वैसे वैसे एक रास्ता ये भी है, यहां पे इसको कर दें और इसे सेव कर देते हैं, और यहां इस रन को यहां रखने के बजाय, सॉरी रख देते हैं कहां, इसके अंदर। अब जरा इसको चलाने के लिए ट्राई करते हैं। आ जाओ अब फिर से बिल्ड नाउ करो, अब देखो ये चल रहा है, ऐसे ही हमारी स्क्रिप्ट चलती है। ये जेनकिंस लोकल होस्ट पर नहीं है, कहां सर्वर पे है ना, ऐसे हम लोग लॉग इन करते हैं, यही बिल्ड नाउ या ऐसे कोई बटन होती है क्लिक करते हैं, वहां चलना क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, वो अपना काम कर रहे होते हैं। हमें देखना होता है, हम यहीं पे आते हैं, इसको ओपन करते हैं, कंसोल आउटपुट में जाते हैं, जो हुआ रहता है वो है। देखो अभी ये चला रहा था क्या, अब देखो रन डॉट बैट चलने लगी कि नहीं लगी, चलने लगी, क्योंकि याद रखना ये ढूंढेगा कहां, वर्क स्पेस में। जेनकिंस अपना एक वर्क, जेनकिंस जब भी जैसे सर्वर पे भी डाला जाएगा ना, तो उससे जेनकिंस अपना डिसाइड कर लेगा ये मेरा क्या है वर्क स्पेस, जो तुम्हारा कोड गिट से उठाएगा उसी के अंदर क्या करेगा, कॉपी करेगा। देखो अब क्या बता रहा है भाई, ये कर रहा है, देखो यहां तक चला है, एमवीएन क्लीन इंस्टॉल, अब क्या है दिक्कत भाई, अच्छा कहीं कुछ लिखा हुआ है क्या डी, अच्छा वहां डी लिखा हुआ है ना, नहीं वो तो डी लिखा है, ठीक है। अच्छा ये जो भी कमांड जब चली है तो कहां चली है, डी ड्राइव, देखो तो दिक्कत कर रहा है, हमने तुमको दिखाया है याद है ना कि मैवन को तुम चला सकते हो कमांड प्रॉम्प्ट से, बस तुम्हें ध्यान इतना रखना होगा कि तुम्हें कमांड प्रॉम्प्ट कहां ओपन करना है, उस फोल्डर के अंदर जहां पे pom.xml है। अब ये इनका कहां पॉइंट कर रहा है, डी पे, इसकी वजह से ये इशू आ रहा है। अच्छा डी सी डी, अच्छा एक काम करो, अच्छा यहां पे क्या पाथ आ रहा है भाई, जेनकिंस, अच्छा डी ड्राइव सी ड्राइव, यही तो उल्टा हो रहा है ना, एक काम करो कहां गया, चलो इसको चेंज करते हैं, ये डी वी की जरूरत ही अब नहीं है, बस सेव करो। अब यही करो क्या,
और ये तुमको लाइव जो चलता रहेगा यहाँ पे दिखता रहेगा। कंसोल आउटपुट करो, जैसे स्क्रिप्ट है कभी तुरंत बंद हो जा रही हो, ऐसे चार चार छह छह घंटे चलती रहती है ना, जो रहेगा सब कुछ यहाँ कंसोल आउटपुट में आता। अच्छा अभी भी क्या कर रहा है ये? अच्छा डी अब कहाँ लिखा है? एक मिनट यार, ना ना एक सेकेंड। अच्छा एक रन यहां भी तो है यार, पहले तो एक हटाते हैं कि कंफर्म हो कि चल कौन सा रहा है ना ये सब। लेकिन वन टाइम सेटअप होता है, एक बार हम लोग कर देते हैं, इसके बाद क्या है फिर हमको बार बार करने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये डॉट जेनकिंस के अंदर वर्कस्पेस में रन डॉट बैट पिक कर रहा है ना, और रन डॉट बैट में क्या लिखा हुआ है? रन डॉट बैट में ओके जरूरत ही है ही नहीं, सही कह रहे हो। ये सीडी करने की हमें क्या है, जैसे आ जाओ यही था ना, नहीं सॉरी ये है ना। अब देखो यहां क्या पिक कर रहा है, यहां बाय डिफॉल्ट पिक कर रहा है क्या, जेएनके एस फोल्डर तक पिक कर रहा है। हम लोग कहां रखे थे इसे? चलो हम लोग इसे रख देते हैं कहां, मान लो इसी के अंदर रख देते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा बस पाथ चेंज कर लेना, इतना क्यों सोच रहे हैं हम लोग? और अगर सीडी करना था तो उतना ही करते, लेकिन चलो यहां पे आए। अब देखो क्या है, एक सेकंड। जेनकिंस ये डी ड्राइव अब कहां, उसमें मेंशन है क्या कहीं? सी प्रोग्राम डेटा वर्कस्पेस जेनकिंस, यार यहां भी वही लिखा है। अब ऐसे किसी चीज की जरूरत नहीं है, वैसे ये यहां भी लिखने की। चलो अब क्या है, MVN क्लीन इंस्टॉल चला है, लेकिन अभी देखो सही जगह नहीं चला है। ओके फिर देखो एक गलती हो गई हमसे, क्या इतना करो यहां पे कर दो CD और लिख दो क्या Jenkins underscore concept, तो ये CD वहां पहुंचेगा। अब चलाओ जरा,
अब देखो यहाँ पे लाइव तुम यहां से भी देख सकते हो, या अंदर क्लिक करके भी देख सकते थे, यहां से भी देख सकते हो जैसे ये, या फिर यहां पे क्लिक करो कंसोल आउटपुट में जाओ। अब जो जो हो रहा है सब तुमको दिखेगा, कुछ चलेगा तुम्हारे सिस्टम पे, कुछ दिखाई नहीं देगा। जेनकिंस वाले सिस्टम पे भी कोई ब्राउजर ब्राउजर लॉन्च तुमको दिखाई नहीं चलेगा देगा, क्योंकि सब कुछ चलेगा। ध्यान से रखना किसमें, हेडलेस मोड में, देख रहे हो किस तरह से वो अपना ब्राउजर लॉन्च करेगा, सब कुछ करेगा। बस यहाँ एक ही छोटी सी कमी है, बस वही हम लोग को देखना है कि बस उसको क्या कर देना है, अपने गिटहब रिपोजिटरी से क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना है, बस इतना ही करते हैं हम लोग। इसके अलावा जेनकिंस में हमें और कुछ नहीं। एक बार सेटअप कर दिया, अब हम अपना कोड पुश करते हैं कहां पे, गिटहब पे। ये वहां से उठाता है, चलाता है, हमको यहां सब रिपोर्ट दिखती है, और तुम देख रहे हो जो भी हुआ होगा, ये तो चल ही रहा है, बंद नहीं होगा। अब यहां आ जाओ, अब तक जितना चला होता है सबकी हिस्ट्री यहां है कि नहीं, हम देख सकते हैं किस दिन क्या चला था, क्या रिजल्ट आया था और क्या रिजल्ट नहीं आया, सारी इसकी हिस्ट्री भी क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी, कब क्या चलाया था, क्या नहीं चला था, उस दिन पास हुआ था कि उस दिन क्या हुआ था, फेल हुआ था। अब कुछ भी यूआई पे दिखाई नहीं देगा ये, ठीक है। और ये यूआरएल ये नहीं रहेगा लोकल होस्ट, वो एक्चुअल यूआरएल रहेगा जो तुम्हें कंपनी में जाने के बाद क्या होगा, मिलेगा। बस इसी में क्या करते हैं, अभी देखो इसके लिए भी प्लगइन ही डालना होगा। जैसे कॉन्फिगर करो ना, चार पांच ऑप्शन थे ना, बिल्ड ट्रिगर में तुम बता देना कि तुम लोगों ने क्या कर रखा है, बिल्ड पीरियोडिकली यूज कर रखा है और शेड्यूल कर रखा है। तुम्हारे यहां सुबह 9 बजे या रात में शाम को 8 बजे चलता है रिग्रेशन। इधर देखो फिर क्या है, सोर्स कोड मैनेजमेंट, बिल्ड ट्रिगर, बिल्ड इन्वायरमेंट, और ये वाला याद, जब जेनकिंस पे हम यूज करते हैं ना तो हम लोग ये वाला चेकबॉक्स भी चेक करते हैं। इससे क्या होता है कि जो पहले से जेनकिंस पे कोड पड़ा होता है उसको डिलीट करता है, फ्रेश गिटहब से उठा के रखता है। कई बार ये भी लिखते हैं डिलीट वर्कस्पेस बिफोर बिल्ड स्टार्ट, कि जब स्टार्ट करो तो पहले क्या करो, वर्कस्पेस को क्या कर दो, डिलीट कर दो। तुम लोग अभी मत चेक करना, ठीक है। और फिर क्या है, बिल्ड स्टेप यहां पे बस क्या है, देख रहे हो एक लाइन की बस छोटी सी क्या है कमांड, मतलब यहां वही। अच्छा एक चीज ये भी दिखा दे तुमको, तुम ये भी लिख सकते थे यार यहां पे, जानते हो क्या, ये सब ना लिखते, ऐसे लिख देते सीडी जेनकिंस अंडरस्कोर क्या था कंसेप्ट, तो कहां पहुंच, देखो बाय डिफॉल्ट ये कहां रहता है, अपने वर्क स्पेस के अंदर, उस जेनकिंस के अंदर है, और हम सीधे ये लिख दे, ये लो रन डॉट बैट खत्म ना, वही कमांड वहां लिखो चाहे वही कमांड यहां लिखो, और इसको सेव करो। अभी वो चल ही रहा होगा, वो चल रहा है, चल चुका है। अब आओ जरा फिर से बिल्ड नाउ करो, ये 17वां चल रहा है, बस उसको ये है कमांड प्रॉम्प्ट से चलाना सीख लो। जैसे नहीं दिखाया था पहले कि हमने उसमें जो मेरा वो था प्रोजेक्ट था वहां गए जहां pm.xml है, वहां पे कमांड प्रॉम्प्ट खोला और फिर सीधे mvnpn इंस्टॉल के चलने लगा था ना, तो वही ये जो यहां लिखते हो ये सब कहां चलेगा, उसी mvn ये कमांड प्रॉम्प्ट पे ही चलेगा जो यहां पे कॉन्फिगर में तुमको दिख रहा है। देखो यहां पे देखो यही। अब एक चीज और है क्या, पोस्ट बिल्ड एक्शन, यहीं से तुम याद रखना क्या ऐड करोगे, मेल करने वाला कंसेप्ट यहीं पे ऐड होगा, मेल करने वाला कंसेप्ट यहीं पे ऐड होगा। और तुम लोग अच्छे चलाते हो तो तुम लोग की कई बार एक्सटेंड रिपोर्ट बन के आती है ना, एक्सटेंड रिपोर्ट भी यहां दिख सकती है, उसके लिए भी प्लगइन डालना पड़ेगा। मतलब तुम अपनी एक्सटेंड रिपोर्ट को जेनकिंस से इंटीग्रेट कर सकते हो, जब वो चलाएगा ना, चलाने के बाद एक्सटेंड रिपोर्ट को यही दिखाएगा भी, उसके लिए भी क्या करना होगा तुमको, ये सब कुछ होगा यहीं पे। देखो जानते हो कौन सा ऑप्शन, याद रखना ये ऑप्शन
चलो थोड़ा सोचो, एक यहां देखो, वो छोटे छोटे ऑप्शन दिख रहे होंगे, इसमें एक होगा पब्लिश करके, पब्लिश करके ऑप्शन आ रहा है ना इसी में। हाँ देखो पब्लिश करे कई होंगे, ये है। अच्छा एक यहाँ ऑप्शन पहले ये देख लो, ये वाला आ रहा है कि नहीं, ईमेल नोटिफिकेशन, यही वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, इसी में यही तुम बताओगे कि रेसिपेंट्स मतलब किसको किसको मेल भेजना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, अपने आप चलने के बाद सबको मेल हो जाए। और यहीं पे एक और मिलेगा पब्लिश करके, पब्लिश एचटीएमएल रिपोर्ट पहले, उसके पहले लेकिन फिर कह रहे हैं ना पहले जैसे जो चीजें चार पांच चीजें यूज करनी है सबका तुम्हें क्या डालना पड़ेगा, प्लगइन डालना पड़ेगा। जैसे इसे लीव करो, यहां पे आओ, मैनेज जेनकिंस में आओ, एक्सटेंड रिपोर्ट का भी प्लगइन होगा, पहले नहीं था, अब आई थिंक आ चुका होगा। पहले जो हमारी टेस्टेंजी वाली रिपोर्ट नहीं होती है वो अटैच की जा सकती थी, तब एक्सटेंड का ऑप्शन नहीं था, लेकिन एक मिनट देखो, ईमेल एक्सटेंशन की एक मिनट, सॉरी अपडेट्स कर रहा है, अवेलेबल प्लगइन्स में आओ, अवेलेबल में जाना है, अच्छा एक मिनट, एक प्लगइन और देखो पब्लिश, हाँ ये देखो जरा HTML पब्लिशर, पहले हम लोग के टाइम पे रहा करती थी, एक एक ऑप्शन आता था पब्लिश HTML रिपोर्ट्स, याद हो क्या आ रहा है HTML पब्लिशर आ रहा है ना, चलो ये सेलेक्ट करो, ये प्लगइन क्या करोगे इंस्टॉल करोगे, जब प्लगइन इंस्टॉल करोगे इसके बाद जेनकिंस को एक बार क्या करोगे रीस्टार्ट करो, हो गया ना, हाँ ये हो गया ना HTML पब्लिशर्स, क्या कह रहे हो फेल हुए हैं यार, इनको फिर से एक बार हमने वहां दिखाया था ना, सिर्फ गिटहब वाला डालोगे, एक डालोगे दो तीन प्लगइन, लेकिन कई बार देखोगे प्लगइन इंस्टॉल होंगे कितने 15-20, क्योंकि उससे रिलेटेड जो जरूरी जरूरी होंगे वो खुद ही क्या करेगा इंस्टॉल कर लेगा, पिक कर लेगा, एक बार फिर से उसको डालने की कोशिश करना, जो जो उसको कम लगेगा वो अपना क्या करेगा वो अब मैनेज कर लेगा, वो अपना डाउनलोड कर लेगा, ठीक है। वैसे एक बार रीस्टार्ट करो तो शायद वहां वो ऑप्शन तुमको दिखना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा पब्लिश HTML रिपोर्ट्स करके, देखो अच्छा। बस यही जेनकिंस में करते हो, जेनकिंस में कोई कोडिंग या प्रोग्रामिंग नहीं करते, जेनकिंस सिंपली सिर्फ क्या है जॉब है, ये कई काम को जिसे पहले हमें खुद करना पड़ता था ये कई काम को खुद ही मैनेज कर देता है। शेड्यूलिंग का ऑप्शन देखा ना, टाइम सेट, जैसे अभी यही शेड्यूल में जाए पीरियड, जॉब पीरियडिकली में तुम्हारी ये जॉब बन चुकी है ना, बस तुम्हारा सिस्टम ऑन रहे और हम शेड्यूल में जाके मेंशन कर दें सुबह 9 बजे चलने के लिए, तो जैसे ही 9 बजेगा अपने आप क्या होगा स्क्रिप्ट रन होना क्या हो जाएंगी स्टार्ट। उसमें भी ऑप्शन होता है मंडे टू फ्राइडे कर देंगे, तो मंडे टू फ्राइडे क्या कर देंगे, ठीक है मंडे टू फ्राइडे चले। और तुम लोग को यही बताना भी है कि तुम लोग का ऑटोमेशन रिग्रेशन सूट और स्मोक सूट डेली बेसिस पे चलता है, क्योंकि ये शेड्यूल्ड है, टाइम बता देना कुछ भी, रात की पहले 8 से 9:30 क्या चलता है, 8 से 9 क्या चलता है स्मोक चलता है, 8 to 8:45 इसके बाद 4-5 घंटे के लिए क्या चलता है रिग्रेशन चलता है डेली बेसिस पे, और जेनकिंस पे चलेगा। और सबसे बड़ी बात देख रहे हो ना, पूरी हिस्ट्री थी देख रहे थे ना, जब जब रन हुआ है उसकी पूरी क्या होगी हिस्ट्री हो, नहीं जब बिल्ड न्यू आएगी, लेकिन ये कब के लिए था, जब आदमी को चलाना है, जब आदमी को चलाना है तब, वैसे रिग्रेशन भी तो रोज थोड़ी ना करेंगे, क्योंकि तब ये कब की बात है, जब आदमी को चलाना था तो ये थोड़ा संभव नहीं था, ऑटोमेशन का यही तो फायदा है, अब तो लिख लिया है ना, अब एक बार नहीं क्या चलाओ 100 बार चलाओ तो लोग कर देते, भाई जो हमारे पास लिखा लिखा रखा है
डेली चला देते हैं कि स्मोक और रिग्रेशन डेली अपने मन से ही चलेगा, और इसके बाद जब मेरा मन कुछ करेगा अलग से चलाने का, तो बिल्ड नाउ वाला ऑप्शन था ना, हम तो जाके वहां क्लिक कर ही देंगे, तो फिर मेरी मन मर्जी के हिसाब से अभी चलेगा, और नहीं तो वो तो टाइम उसका फिक्स है। तुम लोग भी यही बताना कि डेली बेसिस पे चलता है, क्योंकि ऑटोमेशन हो रखा है, और इसके बाद हमें खुद चलाना हो तो हम जाके चला ही सकते हैं। यही है जेनकिंस, इसीलिए इसे कहते हैं क्या, इस तुमको इंटरव्यू में कहेंगे कि भी CI CD टूल कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट टूल, इसीलिए इसका नाम है CI CD। तुम देखो सबसे अच्छी सबसे बड़ी बात देखो, अभी ये इसमें चीज की नहीं है, अगर इसी ऑटोमेशन जॉब में जाओगे कॉन्फिगर करने में, बिल्ड पीरियडिकली का ऑप्शन है कि नहीं है, कहां पे बिल्ड ट्रिगर के अंदर, ये तो ऑप्शन सारे याद कर लो बस, और यहां पे जाओ देखो ध्यान से, जब तुम बिल्ड ट्रिगर करते हो ये वाला ऑप्शन, ये बिल्ड, तो यहां बिल्ड पीरियड के लिए है ना, यहां और भी ऑप्शन है ध्यान से समझना, एक ऑप्शन ये भी है देखो क्या, पोल SCM, अगर इस ऑप्शन का यूज करो और गिट का अपना URL दे दो, गिट का अपना URL दे दो, देखो और चाहो तो शेड्यूल में टाइम दे दो, यहां टाइम दोगे जैसे 5 मिनट दे दिए, 3 मिनट दे दिए, 2 मिनट दे दिए, 10 मिनट दे दिए, जो टाइम दोगे तो जानते हो इसके बाद क्या होगा, हर 1 मिनट बाद जाके देखेगा क्या उस रिपोजिटरी में कोई चेंज हुआ, अगर चेंज होगा तो अपने आप ये चलना, तो इसीलिए नाम पड़ा क्या, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, अब उसके साथ हमेशा ये क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, तुम्हें उसमें आके कुछ करने की जरूरत नहीं है, जब वैसा होगा तो अपने आप ये क्या है, चलने लगेगा। एक ऑप्शन इसी का और है, ध्यान से देखो, GitHub हुक ट्रिगर, याद करो अभी हम खोले थे ना वो github.com, वहां एक वेब हुक करके एक चीज दिखा रहे थे कि नहीं दिखा रहे थे, अगर तुमने उस कंसेप्ट को यहां पे यूज कर लिया, ये ये, और इसके बाद हुक URL में वो URL मेंशन कर दिया, तो जब भी वहां चेंज होगा तो अपने आप ये चलना क्या हो जाएगा, उसे बोलते हैं क्या, वेब हुक, इसीलिए कहते हैं क्या, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये आपस में एक दूसरे से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं, जब वो कंडीशन पैदा होगी तब ये चलना अपने आप क्या करेगा, स्टार्ट करेगा, जैसे तुम चाहते हो कि जब हम, वैसे तुम क्या करो, जैसे बताओ अगर तुम अपना कोड लिखते हो, सब लोग कोड मर्ज होके अंतिम में कहां जाता है, मास्टर पे ना, जब मास्टर पे जाता है तो इसके बाद कोड सही है या गलत है चलाओगे ना, कहां चलाओगे, ये जेनकिंस में आके, जेनकिंस में जाके बिल्ड नाउ करोगे और वो क्या होगा, चलेगा, लेकिन तुम्हें ये करने की भी जरूरत नहीं है, अगर अपनी तुमने GitHub की मास्टर ब्रांच को क्या कर दिया है, उससे कनेक्ट कर रखा है, तो अपने आप जब भी वहां कोई चेंज करेगा अपने आप ये चलने लगेगा, किसी आदमी को जाके चलाने की, लॉगिन करके चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना ना ना, शेड्यूलर कहां, देखो इसलिए तो कई ऑप्शन है, शेड्यूलर का कंसेप्ट तब काम करेगा जब क्या यूज करोगे, बिल्ड पीरियडिकली, जैसे तुमने बिल्ड पीरियडिकली नहीं, जैसे तुम चाहते हो रोज 9 बजे ना चले, तब चले जब मेरा कोड वहां पे जाए, जब मास्टर पे कोड मर्ज हो तब वो तुरंत अपने आप चले। एक ऑप्शन ये भी है पोल SCM, पोल का मतलब पोलिंग टाइम, मतलब उतनी देर के बाद अपने आप ट्राई करना, जैसे हर 5 मिनट बाद ट्राई करेगा कि क्या उसमें चेंज हुआ या नहीं, अगर चेंज होगा तो अपने आप चलना शुरू हो जाए, इसीलिए कहा गया क्या, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन। हाँ वही, वैसे तुम्हारे लोकल पे भी क्या होती है बताओ, तुम अपने सिस्टम पे भी चलाते हो तो या तो जेनकिंस का कंसोल मिलता है, नहीं तो टेस्ट एनजी या एक्सटेंड की जो रिपोर्ट मिलती है वो मिलता है,
दिखती है ना, हाँ यहां दिखेगा नहीं कुछ और देखने की जरूरत भी नहीं है। क्या करो कि देख के, तुम देखने के लिए थोड़ी ना हो, अगर तुम्हें देखना है देखोगे कब बताओ? तुम्हारा ऑटोमेशन 8 घंटा चलता है, तुम 8 घंटा बैठ के देखोगे ना? हम देखते हैं कब? जब हम स्क्रिप्ट को बना रहे होते हैं, पहली बार देख रहे होते हैं चल रही है कि नहीं। जब एक बार बना दी तो क्या, जब चलेगा तब काहे को देखेंगे? जब हमें चला के देखना होगा तो मेरा लोकल सिस्टम तो है ही ना, जब हमें चला के देखना होगा कोई स्क्रिप्ट फेल हो रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तब तो अपने लोकल सिस्टम पे चला के देखेंगे, तब हम देखेंगे। आई बात समझ में? इसका यूज समझ में आ रहा है कि नहीं? बस यही पर्पस है इसका। लेकिन टीम में काम करना इसके सहारे क्या हो जाता है? आसान। सबके पास URL होगा और सबके पास होगा क्या, यूजर नेम और पासवर्ड। कोई भी चला सकता है, कोई भी जाके देख सकता है। बोलो, एक सेंट्रल लोकेशन पे सब आ गया कि नहीं आ गया? कब चला था, 1 साल पहले चला था, पास हुआ था, फेल हुआ था, सारी रिपोर्ट वहां पे है रखी। और फिर याद रखो, ये सिस्टम भी जेनकिंस किसी सर्वर पे ही है ना। अगर सर्वर पे हमने कहीं रिपोर्ट स्टोर कराएंगे तो बाद में हम जाके वहां से खुद भी उठा भी सकते हैं और यहां से तो देख ही सकते हैं, इसलिए है जेनकिंस। स्क्रिप्ट को चलाने के लिए और हर जगह मिलेगा, जहां भी ऑटोमेशन हो रहा होगा वहां उन लोगों ने जेनकिंस इंप्लीमेंट कर रखा होगा। कोई झंझट नहीं, कोई कुछ नहीं, और भाई अपना कोड अपना अपना उस पर डालो। शेड्यूल किया होगा तो शेड्यूल के हिसाब से नहीं चलेगा, शेड्यूल के हिसाब से चलेगा। मैनुअल खुद से चलाना है तो खुद से चला लो, बिल्ड नाउ करके, और कोड वहां से उठाएगा। तो जो स्क्रिप्ट चलानी, हमें ये झंझट नहीं कि हम स्क्रिप्ट अपनी सिस्टम रोक के, अपना काम रोक के हम स्क्रिप्ट चलाएं देखे बैठ के। चला वो वहां खुद से चलाना हो जाके चला देंगे, चलता रहेगा अपना, हम काम कर रहे हैं। बाद में हम फिर क्या करेंगे भाई? रिपोर्ट तो वहां आएगी, हम रिपोर्ट वहां पे क्या करेंगे देख लें। और याद रखना, वो जो ईमेल नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन नहीं था, कहाँ पे है? 5-6 यार, यही इतना बोलना इंटरव्यू में कि जेनकिंस है, इसमें ये होता है, इससे ये करते हैं, इससे ये करते हैं, इससे ये करते हैं। वहाँ पोस्ट, वहाँ पे बिल्ड नोटिफिकेशन, उसमें ईमेल नोटिफिकेशन में हमने पूरी टीम का नाम मेंशन कर रखा है, और प्लस जो रिपोर्ट बनती है ना HTML की, एक्सटेंड रिपोर्ट या वो एक्सटेंड रिपोर्ट बनती है ना अंदर, ईमेलेबल रिपोर्ट .html सब कहाँ बनेगा? अरे यार, चल रहा है तो कहीं बनेगा ना, जिसे यही वर्कस्पेस ही तो चलता है। कौन चलता है? जेनकिंस का वर्कस्पेस चलता है ना, तो यही अंदर टेस्ट आउटपुट बनेगा कि नहीं बनेगा? तो वहां पे ईमेल नोटिफिकेशन में ऑप्शन होता है कि हम बता दें कि फाइल का पाथ, तो वही फाइल अटैचमेंट में भी मेल में चली जाएगी, मतलब सबके पास मेल चली जाएगी, उसमें उसका स्टेटस चला जाएगा, और अटैचमेंट में क्या रहेगा? एक्सटेंड रिपोर्ट या HTML रिपोर्ट, या वो एक्सटेंड रिपोर्ट या टेस्टेंजी रिपोर्ट, या दोनों लगी रहेंगे। तो किसी को चाहे तो जेनकिंस पे, और ये भी URL मेंशन रहेगा। देख रहे, ध्यान से देखना एक चीज, जेनकिंस के हर एग्जीक्यूशन का एक URL होता है। देखो, तो लोग ऐसा करते हैं, कई बार मेल चली जाए, कहां गया? ऑटोमेशन जॉब यही तो था ना। अच्छा, किसको? अच्छा, दूसरा जरा चला रहे थे, क्या नाम था? JNKS, ये देखो, ये चला रहे थे ना। ये आ रहे हैं कि नहीं? सारे ये आ रहे हैं ना। हर एग्जीक्यूशन का एक क्या होता है? URL है ना इसका JNKS 17। तो जो मेल जाती है उसी में बिल्ड इसका, इसको बोलते हैं हम लोग बिल्ड URL। ये URL भी उसी के साथ चला जाता है। तो जो बंदा मेल चेक किया, अच्छा पास हुआ, फिर उसे चेक करना हो, URL गया होगा, क्लिक करेगा, फट से क्या होगा, खुल जाएगा, उसको यहाँ सामने सब दिखने लगेगा। अच्छा, ये चला था, वो कंसोल आउटपुट पे क्लिक करेगा, उसको सारी क्या दिखाई देगी? सारी डिटेल दिखाई देगी।
अभी नहीं है एक्सटेंट या टेस्टनजी का कोई प्लगइन, अगर टेस्टनजी का प्लगइन होता तो वाली रिपोर्ट भी यही साइड में आ जाती, वो भी दिखती, क्लिक करता आदमी सब, मतलब एकदम क्या हो जाती चीजें, इसको ये रन करना को क्या हो जाता, बहुत आसान रहता। और ऑटोमेशन टेस्टर यूज नहीं करता, सब टीम भी यूज करती, मैनुअल टेस्टर भी यूज करता, हर कोई यूज करता उसे, चल उसे पता है बस यहां से जाना, बिल ना ऊपर देना, वही रिजल्ट आ जाएगा, वही देख लेना, उसे स्मोक करने की जरूरत नहीं, स्मोक चला देगा यहां से, स्मोक चल जाएगा यार, रिजल्ट क्या करेगा, देख लेगा, चाहे ऑटोमेशन टेस्टर हो चाहे मैनुअल टेस्टर। या रोज तो वैसे ही हमने शेड्यूल कर रखा है चलाने के लिए, तो हर आदमी आके चेक कर सकता है आज जो चला था उसमें पास हुआ कि क्या हुआ, फेल हुआ। और कई बार हम लोग ऐसा करते हैं जो मेल करते हैं उसमें कंडीशन डलवा देते हैं कि फेल हो तभी मेल जाए, पास हो तो मेल ना जाए, जैसा अपना चाहो वैसा करा लो, या पास फिर हर कंडीशन में जाए। अब समझ में आया जेनकिंस, तो लिख डालो उसके छह वो, ये बिल्ड ट्रिगर वगैरह के बारे में, बिल्ड पीरियडिकली यही सब के बारे में दो दो लाइन लिख डालो, मेरे ख्याल से लिखोगे तो 1-1.5 पेज होगा, और यही बताना है तुमको, बस यही तुमको क्या करना है बताना है, और कुछ ज्यादा जेनकिंस में नहीं करना है, जेनकिंस में कोई प्रोग्राम नहीं देगा वो, जेनकिंस का तुमसे वर्क फ्लो जानना चाहेगा, पूछेगा जेनकिंस की जॉब बनाए हो, दोनों जवाब दे सकते हो, कई बार कह सकते हो बनाए भी हैं, और कई बार कह सकते हो हमारे यहाँ बना हुआ था लेकिन हम सब कुछ जानते हैं उसमें क्या क्या होता है। भाई बना भले दियो, कॉन्फिगर करके चेंज तो कर सकते हो, तुम सारे ऑप्शन जानते हो, भैया जनरल है क्या है, बिल ट्रिगर है, सोर्स कोड मैनेजमेंट है, बिल्ड ट्रिगर है, और क्या है, बिल्ड है और पोस्ट बिल्ड है, ऐसे करके 5-6 क्या है ऑप्शंस, यहां से ये हम करते हैं और ये चलता है, वही रिपोर्ट आती है सबको, क्या आ जाती है, मेल आ जाती है, और ये मेल हमने कहाँ से किया है, पोस्ट बिल्ड एक्शन, सबसे आखिरी स्टेप क्या होता है, पोस्ट बिल्ड एक्शन, बिल्ड वाला एक्शन, बिल्ड का मतलब चलाना, बिल्ड ट्रिगर का मतलब कब चलाना है, पोस्ट बिल्ड का मतलब उसके बिल्ड जब चल जाए उसके बाद, उसी के बाद वाले भी ईमेल नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके और फिर ईमेल भिजवा देते हैं सबके पास, क्या पहुंच जाता है, मेल जब भी चलेगा सबके पास मेल जाएगी, यही बताना है बस, और यही तुमको वहां यूज भी करना है, ठीक है। चलो जरा एक बार उसको ट्राई करना, देखो हम भी टाइम मिलेगा तो खुद ट्राई करेंगे उसको, इसके लिए क्या कहते हैं, नहीं शेडो शेडो वाला तो ट्राई करना, ये जो जेनकिंस की वो सॉरी गिटहब की यूआरएल से इसे क्या करना, कनेक्ट कनेक्ट कर देना, कनेक्ट कर दोगे ना तो वो वर्कस्पेस में अपने आप वहीं से आएगा, ठीक है।